तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, साइट में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। नीलूज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार एक ऐसे सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपने आज तक कभी नहीं खाई। आज हम बनाएंगे आलू, शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी जो कि शाही सब्जियों को भी पीछे छोड़ दे। तो चलिए बनाना सीखते हैं आलू, शिमला मिर्च, प्याज की सब्जी। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने यहाँ पे 3 प्रकार की सब्जी ली है जो कि है आलू 1 बड़ा, शिमला मिर्च 1 बड़ी और प्याज 1 बड़ी। तो प्याज को हमने इस तरीके से क्यूब कट किया है और इसके सारे परते अलग कर ली है। आज हम इन 3 चीजों की सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो देखिए, तेल में हमने सबसे पहले आलू को डाल दिया है और इस सब्जी की यही खासियत है कि हम इस आलू को पहले फ्राई करेंगे हल्का हल्का। आलू में जब तक स्पॉट ना आए, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं होते, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और ये फ्राई किए हुए आलू हमारे सब्जी को एक अनोखा और एक बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट देगा। तो देखिए, हम इसे अब फ्राई कर रहे हैं और आलू में अब ये थोड़े थोड़े स्पॉट आने लगे हैं और खुशबू भी, आलू जब फ्राई होते हैं तब खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो इसी तरीके से हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरीके की सब्जी आपने कभी भी नहीं खाई होगी, इस सब्जी को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एक अनोखी टेस्ट वाली सब्जी है जो कि आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, हम इसे अलट पलट कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कम तेल डाला है और इसी तेल में हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए, हम अब ये जो आलू है वो लगभग गोल्डन ब्राउन होने आ चुके हैं। हमें इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसी तरीके से लाइट ब्राउन करना है। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसी के अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा उम्दा है। ये हल्की हल्की जब फ्राई होती है तब सब्जियों में इन सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो इसे हमें सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो शिमला मिर्च का जो ग्रीन कलर है वो और ज़्यादा निखर जाए और प्याज हल्की कैरमलाइज हो जाए। तो देखिए, 2 मिनट अब हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक ताकि सारी सब्जियां हैं वो थोड़ी नमकीन हो जाए, फीकी फीकी ना लगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है और इसे मिक्स कर देना है। हमें ज़्यादा देर शिमला मिर्च और प्याज को नहीं पकाना है। तो चलिए, अब इसे हम निकाल लेते हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो एक प्लेट में हम इसे अब निकाल लेंगे। सारी सब्जियां को हमें निकाल लेना है और इसी पैन में या इसी कढ़ाई में हम अब इसका मसाला रेडी करेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जो हमने रफली चॉप की हुई है। 1 हरी मिर्च डालेंगे, हमने गैस को ऑन कर दिया है, और डालेंगे 3 से 4 कली लहसुन की, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 काजू लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि जब आप इसे फ्राई करें तो काजू को हल्का ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही उम्दा आता है। आप फ्राई किए हुए काजू खाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से हम हमारे सब्जियों में आज ऑनियन को और काजू को अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। तो अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गई हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक, अच्छे तरीके से पकने तक हम इसे ढककर पकाएंगे। तो देखिए, हम अब इसके अंदर टमाटर हमने डाल दिया है और अब हम इसे ढककर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं
और हमारा ये मसाला भी जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा करके एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसी पैन में फिर से एक चम्मच आपको जितना तेल, घी या बटर डालना हो आप डाल सकते हैं। अब आपको सिर्फ मसाला भूनने के लिए ही ऑयल लगेगा, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 1.5 टेबल स्पून ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा मीन्स क्यूमिन सीड्स और इसे हल्का सा हम तड़कने देंगे। ये देखिए हल्का हल्का अब तड़कने लगा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के सारे खड़े मसाले। तो इसमें है एक तेज पत्ता, छोटी छोटी दो टुकड़े हैं दालचीनी के, 4 से 5 हमने लिए हैं काली मिर्च और 2 हमने लिए हैं इलायची। इलायची को हमने हल्का सा कूट लिया है ताकि इसके जो बीज है उसका फ्लेवर हमारे सब्जी में अच्छे तरीके से आए। अब देखिए इसे भी हमें अच्छे तरीके से भून लेना है तेल में ताकि खड़े मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। अभी गैस की फ्लेम को कम कर देना है और इसके अंदर हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने डाली है लगभग 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे हम 1 फुल टीस्पून कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी लगभग 1 पिंच के करीब, और इन सारी चीजों को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको गैस की फ्लेम को बहुत ही ज्यादा स्लो रखना है वरना आपके ये ड्राई मसाले जल जाएंगे। और इसे जल्दी से भूनकर हमें इसमें हमारे पेस्ट को डाल देना है जो हमने मसाला रेडी किया है। तो देखिए अब मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे डाल दिया है और जार में थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को पूरा हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि मसाला जार में रहना नहीं चाहिए वरना मसाला कम हो जाएगा। तो चलिए इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये देखिए हमने इसे जार में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरीके से घुमाकर इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे थोड़ी देर हम भुनने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और थोड़ी देर हम इसे भूनने के लिए रख देंगे। तो देखिए जैसे जैसे ये अब भून रहा है वैसे वैसे जो ऑयल है वो हल्का हल्का सेपरेट हो रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश क्रीम लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वेलवेट टेक्सचर की बने। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। शायद आपने ऐसी फ्लेवरफुल सब्जी कभी भी नहीं खाई होगी, वो भी सिंपल शिमला मिर्च प्याज और आलू की सब्जी, तो बनाकर जरूर देखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी और इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक हमारे स्वाद अनुसार। आप जितना कम ज़्यादा नमक डालते हैं आप आपकी इच्छा अनुसार डालिए। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। ये देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है वो कहीं रहना नहीं चाहिए। इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे फ्राई की हुई सब्जियां। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें फ्राई की हुई सब्जियां अब डाल दी है और इनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये फ्राई की हुई सब्जियों का टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहे। और ये जैसे फ्राई हो रही है घर में पूरी इसकी खुशबू
फैल रही है। तो देखिए हमने इसमें अब डाला है आधा टीस्पून के करीब लेमन जूस, नींबू का रस, और थोड़ा सा लगभग 1 टीस्पून के करीब डाला है टमाटो केचप। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इन सारी सब्जियों में टमाटो केचप का स्वाद बहुत ही अलग से टेस्ट देता है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियां लगती हैं। तो चलिए इसे हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम पकने के लिए रख देते हैं, ताकि आलू जो है वो पूरी तरीके से पक जाए और सब्जी हमारी रेडी हो जाए। तो चलिए इसे हम ढककर अब थोड़ी देर के लिए रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। अब देखिए हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब दिख रही है। लेकिन जो लोग इस तरीके की ड्राई सब्जी पसंद करते हैं वो इस तरीके से खाएं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालती हूँ। तो इस ग्रेवी के लिए इसमें मैंने दूध डाला है, 1/4 कप के करीब दूध डाला है और इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए बिल्कुल लाजवाब टेस्टी हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है और इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनी है लेकिन शाही रेसिपी से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।